इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी असम। ग्रस्त गीता एक ऐसा विषय है जो हमारी ग्रस्त की क्रियाओं की शुद्धिकरण कराता है। ग्रस्त गीता एक ऐसी चर्चा है जो हमारे ग्रस्त में रहकर भी हमें धर्म ध्यान करने की कला सिखाता है। ग्रस्त गीता एक ऐसा विषय है जो हमें घर में रहकर 24 घंटे धर्म ध्यान करने की कला सिखा रहा है। मैंने इस किताब को 10 सालों में लिखकर आपके सामने रखने का प्रयास किया और वास्तव में जहां महाराष्ट्र में गया तो मराठी में इसका ट्रांसलेशन हुआ और मराठी में बहुत लोगों ने इसको लाभ लिया। कर्नाटक गया तो कन्नड़ में लोगों ने इसका रसासन किया, एक एक नहीं दो दो तीन तीन बार एडिशन हुआ इसका, और हिंदी में तो कम से कम 10 बार हो चुका है, लेकिन अभी दोबारा फिर होने वाला है। इस चर्चा को मैं इसलिए करना चाहता हूं कि आपका अगर स्वस्थ शरीर रहेगा, आपका घर परिवार अच्छा रहेगा, तो आप धर्म ध्यान अच्छे से कर सकते हो। आप अगर घर में ही अस्वस्थ रहेंगे, घर परिवार व्यवस्थित नहीं रहेगा, तो आप धर्म ध्यान करने भी आएंगे तो हमारा शरीर साथ नहीं देगा, तो हम कैसे धर्म ध्यान कर सकेंगे। इसलिए मैंने ग्रस्त गीता के माध्यम से आपको सोने की कला सिखाई। सोते समय हमारे पैर पूरब और उत्तर की होना चाहिए। सोते समय हमें चार चीज़ें करना है। पहले नंबर पर चारों प्रकार के आहार का त्याग करके ही हमें सोने का प्रयास करना है। दूसरे नंबर पर हमें जो मेरे शरीर पर परिग्रह है उसके अलावा सभी परिग्रहों का त्याग करना चाहिए। तीसरे नंबर पर हम सब जीवों से क्षमा मांगें, हे भगवान मेरे द्वारा मन से वचन से काय से किसी जीव का दिल दुखा हो या किसी ने मेरा दिल दुखाया हो, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और उनको क्षमा करता हूँ। चौथे नंबर पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर सोना चाहिए। जब ये तीन काम आकर के सोएंगे उस समय आप साधु जैसे हो गए। आप विचार करके रखना, उस वक्त आपका शरीर हमारे आचार्य समद्वत स्वामी रतनकांड सबकाचार में कहते हैं चेलोप श्रेष्ठ मुनिरिव, चेलोप श्रेष्ठ मुनिरिव। अगर उस वक्त आप सब चीज़ों का चारों दशाओं का और सब परिग्रहों का और चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अगर विश्राम भी कर रहे हो तो चेलोप श्रेष्ठ मुनिरिव, कपड़े ऊपर पड़े हैं उपसर्ग वाले मुनि के ऊपर कपड़े पड़े हैं ऐसा वो मुनि है, वैसा ही तुम्हारा पुण्य जागृत हो जाता है, वैसा ही तुम्हें पुण्य लगने लगता है, ख्याल करो। और जब ऐसे समय पर अगर आपकी आयु का बंध होता है तो निश्चित ही देव गति का ही आपके आयु का बंध होगा। रात्रि में शुभ सपने आए तो हम उन सपनों में अपने नमो कार्मिन की जाप करके और पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। अशुभ सपने आए तो हम भगवान से क्षमा मांगकर रात्रि में पुनः सोने का प्रयास करें, क्योंकि जो अंतिम सपना आता है उसका ही फल मिलता है, इसको माला स्वप्न बोलते हैं। ख्याल करना, मैंने कई प्रकार के शुभ और कई प्रकार के अशुभ स्वप्न आपको बताए हैं। इतना ही सोचना, स्वप्न में हमें भगवान दिखते हैं, स्वप्न में हमें मुनिराज दिखते हैं, स्वप्न में हमें अच्छी चीज़ें दिखती हैं जो मन को आनंदित करती हैं, तो वो शुभ स्वप्न का फल शुभ होता है। और स्वप्न में मुनिराज या भगवान विकृत रूप में दिखते हैं या जो चीज़
हिंसक है वो हमें दिखती है तो अशुभ स्वप्न होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हमें सोकर उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा इसलिए बताया गया कि हमारे हृदय में ब्रह्मा है, परमात्मा है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होता है, सरोवर में कमल खिलते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो हमारे हृदय रूपी कमल परमात्मा ब्रह्म रूप में खिलने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त जो हमारे तीर्थंकरों की वाणी का खिलने का समय है। सुबह सुबह विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर की दिव्य देशना खेती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 से 6 हम बताते हैं हर जगह, लेकिन यहाँ हमें 3 से 5 बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 बजे तो दिन ऐसा उदय हो जाता है कि पूछो ही मत। हर जगह 5 बजे दिन उदय होता है, यहाँ 4 बजे ही हो जाता है। तो आप संध्या समय बोलते हैं, रात्रि का समय भी हो और दिन का भी समय हो। इस संध्या के काल में अभी आप सब लोग बैठे हो, इसे संध्या काल बोलते हैं। और संध्या काल में ही भगवान की देशना कीर्ति है। हर संध्या काल में, चाहे रात्रि के 12 बज रहे हों तो भी संध्या काल है, दिन के 6 बज रहे हों तो भी संध्या काल है, सुबह के 5 बज रहे हों तो भी संध्या काल है, और दिन के दोपहर के 12 बज रहे हैं वो भी संध्या काल है। आप सोचते हो शाम को ही संध्या काल बोलते हैं, नहीं। संध्या का मतलब है जोड़, संध्या का मतलब है दो को जोड़ना, संध्या काल। तो जहाँ अंधेरा जा रहा है उजाला आ रहा है, ये प्रातः का समय। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की दिव्य देशना कीर्ति है, हमें सुबह उठकर उसका चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल जब उठ जाएं, सुबह उठने के बाद हम बिस्तर जब छोड़ें तो हमें अपने बिस्तरों को उठाना चाहिए। जो लोग सोने के बाद बिस्तर नहीं उठाते हैं उन घरों में 4 प्रकार की हानियाँ होती हैं। अहिंसा धर्म का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि देख लेना आज ही जाकर आप अपने बिस्तरों के नीचे उठाकर देखना, इतने सूक्ष्म छोटे छोटे जीव। मैं दूर की बात क्या करूं, मैं शुद्धि करने जाता हूं, वहां पर किसी ने एक पाटा रख दिया था। मैं पाटे पर पैर रखकर शुद्धि कर कर आ जाता था। एक दिन अचानक मेरे मन में विचार आ गया कि एक बार देखूँ तो ये पाटे के नीचे है क्या। और जैसे ही मैंने उस पाटे को उठाया, असंख्यात जीव उस दिन से वो पाटा खड़ा कर दिया। नहीं, आप विचार करके रखना। साधु चटाई बिछाते हैं परमानेंट नहीं, सुबह झाड़ कर पीछे से लगा कर हटा देते हैं, क्योंकि उसके नीचे छू सू जो छोटे जीव होते हैं। अब आपके घरों के डेवलप के गद्दे, हाँ पहले के गद्दे होते थे छोटे मोटे, उठा के रख दिया जाए, एक बच्चा भी उठा दे। अब तुम्हारा डल्लभ का गद्दा है, जितना तुम्हारा वजन नहीं उससे ज़्यादा वजन तो उस डल्लभ के गद्दे की, और उठाओ और कहीं तुम्हारी ऊपरी गिर जाए तो मालूम पड़ा तुम दबके रह गए उसके अंदर। लेकिन फिर भी अभ्यास करूँ एक बार अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए, हमें उन बिस्तर को उठाकर एक बार नीचे झाड़ना चाहिए। सब जगह झाड़ू लगाते हो, उधर भी एक बार झाड़ू लगा दो। वो ना कर पाओ तो जो चादर ऊपर से बिछाते हो कम से कम वो तो व्यवस्थित करो। ख्याल करके रखना, मेरी बातें अटपटी लगेंगी, चटपट समझ में आ जाए तो झटपट कल्याण भी हो जाएगा, चिंता मत करना। मैंने वो चर्चा आपसे की। दूसरे नंबर पर घर में आलसी लोग हो जाते हैं। तीसरे नंबर में उस घर में सर दर्द बीमारी आ जाती हैं। और चौथे नंबर पर उन घरों में जब बिस्तर खाली देते हैं तो ऊपरी भूत प्रेत की बाधाएँ भी स्थान बना लेती हैं। 4 कारणों से हमें बिस्तर उठा देना चाहिए। उसके बाद बिस्तर से उतरने के पहले हमें ये सोचना है, हम पहले पहर जमीन पे कौन सा रखें। ख्याल करके रखना, हमें इतना ही होश नहीं रहता है उठ के इतनी जल्दी। आप विचार करके रखना, सुबह उठने के बाद आप बिस्तर पर एक बार भी भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पाते हो, कितनी जल्दी है। हमें तो लगता है कि आप उठते ही उस समय हो जब आपका पेट का सायरन बजना शुरू हो जाए, ये लगता है उठो और जल्दी भागो पाखाने में। क्या गड़बड़ी है, आप शांति से उठिएगा। उठकर आप अपने हाथों में 24 भगवान का स्मरण करो, 24 तीर्थंकरों को, सिद्धों को, अनंत अनंत को विचार करो। ये आपका धर्म ध्यान है, सुबह से धर्म ध्यान, 24 घंटे का धर्म ध्यान। और भगवान से सुबह सुबह प्रार्थना करना, ये भगवान मेरे माध्यम से किसी का
आज गलत नहीं हो जाए। मैं किसी का अच्छा ना कर पाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माध्यम से किसी का बुरा ना हो। गाना गाते हो ना, भला किसी का कर ना सकूँ तो नहीं करना बन न सकते, बन सकते हो तो कांटों में भी पग मत रखना। आप विचार करना, ये भजन सुबह सुबह आप एक बार स्मरण करो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा भी किसी का मत करना, मत बन सको भगवान तो पुष्प नहीं बन सकते हो तो शैतान भी बनकर तो मत रहना। ख्याल करो, इतना ही विचार करो, अपने मन में भावना लाओ, हे भगवान आप मेरे किस पुण्य के उदय से मैं मनुष्य पर्याय को पाया हूँ, हे भगवान मैंने किस पुण्य कर्म से इस मनुष्य पर्याय को पाया है, अब ये मनुष्य पर्याय में खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शाश्वत भी नहीं है, जाएगी ये मनुष्य पर्याय, लेकिन ऐसा पुण्य कर लूँ मैं कि इस मनुष्य पर्याय से निर्वाण की भूमिका तो बना लूँ। तो सुबह से प्रातःकाल भगवान का स्मरण करूँ। भगवान का स्मरण करने के बाद इन हाथों से, छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करो परमात्मा की, हे मेरे हाथ चोरी चपाटी के काम में ना आए, दान और पूजा के काम में आए, हे भगवान मेरे हाथ गलत लिखने के काम में ना आए, कोई गीत लिखने के काम में आ जाए, हे भगवान ये मेरे छोटे छोटे हाथ किसी आबरू को बचाने के काम में आ जाए। विचार करना, ऐसा विचार सुबह आपको प्रार्थना, मैं कहना चाहूँगा नमोकार मंत्र से ज़्यादा असरकारी हो जाएगा ये। अभी तो तुम्हारे रूटीन में नमोकार मंत्र ऐसा आ गया, काम हजार सैकड़ों काम चलते रहते हो, नमोकार मंत्र भी चलता रहता है, वो नमोकार मंत्र भी शर्म करता होगा, या पढ़ रहा है मन से या चल रहा है नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र चलता रहता है और सारे काम चलते रहते, उपयोग ही नहीं लग पा रहा है। तो विचार करना, दिल से एक बार भी नमोकार मंत्र पढ़ लिया जाए तो कई जन्मों के पापों को काटने में कारण बन जाता है। प्रातःकाल प्रार्थना करके हम बिस्तर से नीचे उतरें तो हमें सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि कौन सा पैर नीचे रखना है। हमें ये ध्यान नहीं रहता है, हमें ये ध्यान नहीं रहता है, इसका प्रभाव पड़ता है। ख्याल करके रखना, जब हम लोगों की दीक्षाएँ होती हैं, दीक्षा के समय हम लोगों को कहा जाता है पहला कौन सा पैर आगे बढ़ाना है, कुछ लोग कहते सीधा, कुछ लोग कहते उल्टा, लेकिन गुरुदेव कहते नहीं, जो स्वर चल रहा है वो पैर आगे बढ़ाओ। ख्याल करके रखना, स्वर विज्ञान आपको पता होना चाहिए। स्वर विज्ञान का मतलब है, अगर आप कोई काम के लिए जा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, भरे हुए स्वर में जाओगे तो कार में सफलता मिलेगी, और खाली स्वर में जाओगे ना तो खाली गए और खाली आने वाले हो। भरा हुआ स्वर और खाली स्वर है क्या? श्वास लेते हुए घर से बाहर निकलो, छोड़ते हुए मत जाना, ये भरा स्वर है, और श्वास छोड़ते हुए घर के अंदर घुसो, बाहर की अलाएं बलाएं भारी रह जाएंगी। पहले की महिलाएं होती थी ना, जब घर में कोई पतिदेव आए तो एक लोटा पानी उतारती थी, आला वाला आई वाला टाल तला क्या करा पता नहीं, और बाहर पानी फेंक देती थी कि बाहर का कुछ भी अंदर ना आ जाए। तो बाहर की स्वास्थ्य बात छोड़ आओ, अंदर आ जाओ। हमें बिस्तर से नीचे उतरते समय अपने दोनों स्वर का एक बार प्रज्ञान करना चाहिए। सीधे हाथ की तरफ हमारी नाक से जो श्वास बाहर आती है उसे बोलते हैं सूर स्वर, उल्टे हाथ के नाक से जो श्वास बाहर आती है उसे बोलते हैं चंद स्वर। हम इस प्रकार से हाथ को करें, श्वास देखो एक बार करके, आप लोग ऐसे करो, कौन से नाक से ज्यादा हाथ श्वास निकल रही है, ओम जी कौन से वाले से निकल रही है पता ही नहीं चल रहा है आप लोगों को, किसको पता चला कौन से नाक से ज्यादा निकल रही, निकल तो दोनों से रही है, सीधे बाएं, हाँ देखो ये दोनों का अंतर, जिस नाक से श्वास ज्यादा, सूर्य जी आपकी सांस सांस चल रही है कि नहीं, कौन से ज्यादा है रही है, एक बार देखो दोनों करके, ऐसे करके देखो, कह रहे महाराज कहीं रुक गई तो दिक्कत पड़ जाएगी, देख रही नहीं है अपने को। तो आप विचार करके देखना, हर व्यक्ति के दो स्वर चालू हैं, रात्रि में चंद्र स्वर चालू होता है और दिन में सूर्य,
दिन में सूर्योदय होता है ना तो सूर स्वर और रात में चंद स्वर, इसीलिए कहा करते हैं कि जो स्वर चल रहा हो वो पैर पहले जमीन के नीचे रखना। और आप विचार करके रखना, जो स्वर चल रहा है वो पैर पहले जमीन के नीचे रखना। भोजन कर रहे हो तो हमारा सूर स्वर चलना चाहिए, पानी पी रहे हो तो हमारा चंद स्वर चलना चाहिए। पानी हमें सीधे हाथ से नहीं पीना चाहिए, सीधे हाथ से पानी पियोगे तो आपको पानी गर्म लगेगा, आपका पानी उष्णता को देने वाला होगा। उल्टे हाथ से पानी पियोगे तो वो चंद स्वर का पानी आपके शरीर में आयुर्वेदिक का काम करेगा, स्वस्थ वर्धन का काम करेगा। आप विचार करना, पहले के लोग प्यास से पानी पीते थे, दोनों हाथों से भी और एक हाथ से लोटा लेकर ऐसे पीने का प्रयास करते। वैसे उल्टे हाथ से बहुत कम करते, लेकिन गिलास आदि में है तो आप पिए। इतना ही विचार करेंगे, जब बिस्तर से नीचे उतरेंगे तो बिस्तर से नीचे उतरते समय हमें सम संख्या में नहीं विषम संख्या में चरण आगे बढ़ाना चाहिए। आप विचार करना, बिस्तर से नीचे उतरने के बाद हमें विषम संख्या में चरण आगे रखना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे। सबसे पहले हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। आप विचार करना, ये ग्रस्त गीता पूरा का पूरा जब से मैं आया हूँ, जितना पढ़ाया है वो सारा आज रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में कुछ तो आए। बार बार ठोकेंगे नारियल को, कभी तो फूटेगा, एक बार की चोट में नहीं, दो बार की चोट में नहीं, कोई सी चोट में तो फूटेगा, कभी ना कभी तो दिमाग में आएगा। सुबह से लेकर शाम तक की चर्या में केवल अभी हम सुबह पहुँचे हैं, सुबह उठकर अपने से बड़ों को प्रणाम करो। भगवान को नमस्कार करने के बाद जो घर में बड़े हों, माँ बाप हों, भाई हों, भाभी हों, पिता हों, जो भी हों अपने से बड़े, एक बार उनको जय जिन्हें जरूर बोलो। इतना वातावरण पवित्र और पावन होगा आपके घर का, घर ही मंदिर हो जाएगा। लेकिन अभी स्थिति ये होती है, आप विचार करके रखना, स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन फिर भी नियंत्रण में है, पता नहीं बम फूटेगा कब। ख्याल करो, बड़ा नरक जैसा घर होता है जिसमें सुबह से उठकर एक दूसरे का अभिवादन नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को प्रणाम नहीं कर पाते हैं। मैं कहना चाहूँगा, सुबह से उठकर आप एक दूसरे का अभिवादन करें, प्रणाम करें, उसके बाद आप पेट शुद्धि के लिए जाएं। पेट शुद्धि जब भी करें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करें। पेट शुद्धि करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख, मौन पूर्वक पेट शुद्धि करने जाएं। आपके बाथरूम में छन्ने लगे होना चाहिए। ख्याल करके रखना, वो भी धर्म ध्यान का स्थान है, वहां भी आप नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम।